बरेली में शुक्रवार को बेसिक शिक्षा विभाग में वैकेंसी निकालने की मांग करते हुए बीएड और टीटी पास बेरोजगारों ने जोरदार प्रदर्शन किया, जहां जिला कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए सैकड़ों युवाओं के प्रदर्शन के चलते सड़क जाम हो गई। तो वहीं हाथों में तख्तियां लेकर बेरोजगारों ने थाली बजाते हुए डीएम आवास से लेकर कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च भी निकाला। इस दौरान आंदोलनकारी कलेक्ट्रेट गेट पर जिलाधिकारी को बाहर बुलाने की मांग करते रहे। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का आरोप है कि प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 51,112 पदों के रिक्त होने का हलफनामा दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इन पदों पर जल्द से जल्द भर्ती कराने का आदेश दिया था। इसके बाद भी सरकार नौकरी नहीं निकाल कर हम लोगों को धोखा दे रही है। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।